देख तो रहे हैं डिलीवरी डेटा हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। डिलीवरी डेटा के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। एक सेकंड ना, हेलो। तो क्या फिल्टर लगाना चाहिए हमारे को कि रोज रोज के अगर हम डिलीवरी देखेंगे तो वी विल बी हैविंग वेब सॉस अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो व्हाट इज द फिल्टर दैट वी शुड यूज? सर लाइक अबाउट 60% डिलीवरी। नहीं, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट 60% डिलीवरी। व्हाट इज द अदर फिल्टर वी कैन यूज टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ डेटा? मोर देन 5% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट के अबाउट, नहीं, लेस सोचो। नंबर ऑफ ट्रेड्स। वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो पुरानी चीज डिस्कस करने के लिए तो नया पाल नहीं करेंगे ना। सोचो सोचो। क्या होना चाहिए? हाई ट्रेड लेस वॉल्यूम, वो भी तो डिस्कस हो गया ना सर। यू शुड हैव एटलीस्ट वॉल्यूम्स मोर देन 10 वीक एवरेज वॉल्यूम, देन यू लुक एट द डिलीवरी। उसके नीचे का अगर आपके पास वॉल्यूम आ रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लुकिंग एट स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स? लाइक आप लोग बना रहे थे, डेटा बना रहे थे, तो वॉल्यूम्स मोर देन 10 वीक एवरेज, कौन सी कंपनी का डेटा आप लोग बना रहे थे? एसडी फिनसर्व का बना रहे थे शायद। सर एसडी फिनसर्व के अंदर जो मेरे पास ये डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं एंड कहाँ गया यार मेरा, जो मेरे पास ये डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं, आई एम लुकिंग आउट द स्टॉकेज का चार्ट, तो व्हाई विल आई लुक एट दिस नंबर? दिस इज ऑफ नो यूज टू मी। 70% डिलीवरी है इसके अंदर। हाँ, इफ आई ओपन अप अ चार्ट, एस जी फिनसर्व, मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा आज यार। आ गया। दिस व्हाइट लाइन इज द 10 वीक एवरेज। लास्ट 3 वीक्स के अंदर ये 10 वीक एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो इन लास्ट 3 वीक्स, तो मोटा मोटा 1 मार्च से लेके, तो ये 2 मार्च, दिस डे वाज नॉट मोर देन 10 वीक एवरेज। अगर मैं वीकली देख रहा हूँ या 50 डे एवरेज अगर मैं डेली देख रहा हूँ, तो वॉज दिस 2 मार्च का डेटा ग्रेटर देन माई 50 डे एवरेज ऑफ द वॉल्यूम? तो दिस इज वॉल्यूम, लेट्स मेक इट एमए लेंथ में ही कुछ और आ गया। वॉल्यूम एमए लेंथ इज 50 50 एंड डेटा इज 2 मार्च। ये रहा डेटा 2 मार्च का, ये वाला। तो दैट इज आई बिलो ओनली, हाँ, दैट इज बिलो 50, सो देन यू इग्नोर दिस, देन यू इग्नोर दिस। सो ऑल दीज ओवर हियर, ऑल दीज ओवर हियर, अगर आपको दिख रहा है, ऑल दीज ओवर हियर, हाँ, ऑल दीज ओवर हियर आर बिलो 50, ऑल दीज ओवर हियर आर बिलो 50, तो लेट्स अवॉइड दिस। सर। यहाँ पे वॉल्यूम आप सिर्फ वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हो ना, 50 डे वॉल्यूम, पर यहाँ पे मतलब वॉल्यूम ट्रेडेड या डिलीवरी नहीं है, ये 50 डे मूविंग एवरेज और वॉल्यूम बार। हाँ, मेरा 50 के नीचे अगर वॉल्यूम बार रहेगा तो वहां जाके मेरे को ये डिलीवरी डेटा देखने का कोई जरूरत नहीं है ना। So I can avoid this. Then, ये जो चीज दिख रही है मेरे को, फ्रॉम 8th ऑफ फेब टिल से 14th ऑफ फेब, दिस इज ऑल्सो एन अवॉइड। सो फ्रॉम ऑल दीज वॉल्यूम्स आर अवॉइड, फ्रॉम 8th ऑफ फेब, 8, 9, 10, 12, 13, 14 का एक आ गया, फिर 15, 16, 17, 18, 20, ये सब अवॉइड है, ये सारे के सारे अवॉइड है जो आप लोग वो शीट बना रहे थे।
गॉट इट। तो ये फिल्टर आपको और लगा के आपका जो नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएंगे वो एक्सेल शीट के अंदर वो कम हो जाएंगे। अरे एक बार बाकी के कंडीशंस भी बोल दीजिए ना, मैं जरा नोट कर रहा हूँ ताकि मेरे को सब। पहला मैंने लिखा है वॉल्यूम्स मोर देन 50 डे एवरेज, 60 to 80% से ऊपर से डिलीवरी आ रही है, स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है और कोई उसमें न्यूज नहीं आ रही है, सो दैट मीन्स योर गुड अमाउंट ऑफ बाइंग इज हैपनिंग। सो अगेन इफ यू गो विद दिस एसडी प्रिंसिपल ओनली, यू विल सी दैट द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन 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 डाउन। एंड यहाँ पर अगर मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देखता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, माई वॉल्यूम्स आर मोर देन माई 50 मूविंग एवरेज, विच इज फ्रॉम 4th of March टिल 14th of March, यहाँ से लेके यहाँ तक। And all my deliveries are 95%, 80%, 87%, 81%. Or stock price is going down, down, down. See, stock is going down, 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 down. तो मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर दबा के बाइंग चल रही है, एसजी फिनसर्व के अंदर दबा के बाइंग चल रही है क्योंकि बाजार में कोई न्यूज नहीं है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका वॉल्यूम जा रहा है और डिलीवरी भी उठ रही है, तो समबडी इज हैप्पीली गेटिंग इनटू इट। राइट, एंड दिस इज द ओनली सेम थिंग विच आई हैड डन विद बीएससी एट 450 बक्स। उसके बाद बीएससी क्या हो गया था वो आप सबने देखा। Clear? So once you use this filter when you are making your Excel, your number of bar would be reduced, और आपको आपका डेटा कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। So basically sir, अपनी शीट को declutter करने के लिए ये टूल अपन यूज कर सकते हैं, हमें कम डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलना चाहूँ तो स्टॉक प्राइस मेरा नीचे गिरता होना चाहिए, नीचे गिरता रहेगा मेरा स्टॉक प्राइस तो किसी का भी इसमें टेक्नो फंडा वाले का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मेरे सोशल मीडिया में मेरे कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। सर बीट भी पॉजिटिव एंड बीट भी नेगेटिव, राइट? क्योंकि प्राइस तो गिरता हुआ है तो नेगेटिव न्यूज और पॉजिटिव न्यूज दोनों ही नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए ना। अभी जैसे एसडीएफसी ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां पर किसी को कोई इंटरेस्ट ही, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। जी पहले किसी न्यूज में कितना हाइप होता था इसका, आज के टाइम में कोई बात ही नहीं करता है। हां जी, अब कोई बात ही नहीं करता है इसके बारे में और इसका कोई हाइप ही नहीं है और सोशल मीडिया में गूगल में कोई न्यूज ही नहीं है और फेसबुक पे ट्विटर पे कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। इट इज एन इग्नोर्ड थिंग, नोबडी वांट्स टू बाय इट, नोबडी वांट्स टू लुक एट इट, इट इज इग्नोर्ड। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज वी आर गेटिंग हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स एंड माय वॉल्यूम्स आर मोर देन माय 50 मूविंग एवरेज एंड डिलीवरी उठ रही है 60-70-80% के आसपास की डिलीवरी उठती चली जा रही है। देखते हैं 6 महीने में क्या होता है आगे। ये एसजी मार्ट है, अगेन फ्रॉम ईयर टिल ईयर देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन माय वॉल्यूम फिल्टर। तो यहां से लेके यहां तक ये मेरे लिए नॉइज है, ये इस बार सॉरी ये वाले बार से लेके ये वाले बार से लेके इट इज ईयर somewhere around here. So all this period is noise. So I would ignore all this period, which is year till year. So this is just a flip flop. So I will want to avoid flip flops. Now what has happened? ये एक है जहां पर मेरे को फ्लिप फ्लॉप नहीं मिला और ये दूसरा है जहां पर मुझे फ्लिप फ्लॉप नहीं मिला। तो जस्ट 2 डेज, विच इज 12th of March एंड 14th of March। तो नाउ 12th of March, 11th एंड 12th of March, ये यहाँ पर 1,70,000 का वॉल्यूम है और यहाँ पर 1,60,000 का वॉल्यूम है, तो मोटा मोटा 3 लाख शेयर ही इसमें अभी उठा है।
अगेन स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन. 3 लाख शेयर का वॉल्यूम उठा है, 100% डिलीवरी, क्योंकि वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर है और बाकी जो सब छुटपुट चलता रहेगा. तो 3 लाख शेयर ही किसी को दिया है और ये तो 10-12 हजार, 15 हजार का वो प्राइस का स्टॉक होता था. अभी इसका स्प्रेड बोनस होते 400 कुछ पे पैसा गया, तो 500 रुपये का भी अगर मैं एवरेज पकड़ूं और तीन कितना 15-1 करोड़ रुपए का माल आगे पीछे हुआ है बस, उससे क्या फर्क पड़ता है उसमें. सर ये तो इग्नोरेबल होगा ना, क्योंकि हमें बेसिकली डिलीवरी वॉल्यूम उसी का चेक करना चाहिए जिसका 50 डेज से ऊपर का एवरेज 10-12 दिनों में दिखे. वही तो कह रहा हूँ सर, ये देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है ना, तो ये सारे डेटा इग्नोरेबल है. केवल एक ये और एक ये, 14 मार्च और 11 मार्च ये दो ही पीरियड है अपने पास जो हमारे पास ये आ रहे हैं. तो सिर्फ 3 लाख शेयर ही इसमें अभी एंड चेंज किए. तो अभी इसमें तो ऐसा कोई डेटा दिख नहीं रहा है. It might take more time. I don't know. It might take more time. एक नीरज जी आए कॉल में, नीरज जी का कंपनी है प्राइम इंडस्ट्रीज, तो इसमें भी वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर ही है और इसमें जो सर्किट फिल्टर है वो 2% का है. तो लेट्स एक काम करता हूँ ना, मैं ये प्राइस वाइज और ये मूविंग एवरेज सब हटा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखेगा. तो दिस इज प्राइम इंडस्ट्रीज, अभी बिजनेस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो बात की बात है. ये प्राइम इंडस्ट्रीज है, दिख रहा है? हेलो जी, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है. इफ हाउ कैन आई इंक्रीज दिस, आई कैन शो यू ऑल दिस, लेट मी हाइड दिस. एक मिनट, एक मिनट. Now see. अब क्लियर दिख रहा है? तो प्राइम इंडस्ट्री में जो ये फॉल आया है फ्रॉम दिस राइज फ्रॉम दिस डे टिल दिस डे, नथिंग इज हैपनिंग. तो यहां पर मेरे लिए वो मेरा वो फंडा लागू नहीं होता है. तो बट पहले की बार जितनी हाई है तो इसमें अक्यूमुलेशन पहले हो गई है. हाँ, ये देखो ना, ये जो डिटेल अभी ये मेरे फिल्टर डेज हैं, अक्यूमुलेशन हुई है या नहीं हुई है वो अभी इस पर देख के नहीं पता चलेगा ना. ये फिल्टर डेज है, दिस वन व्हिच इज 8th ऑफ फेब, 8 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, मतलब 8, 12 और 15 से लेके मोटा मोटा 20 तारीख तक. तो इसका डिलीवरी डेटा तो आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स और नंबर ऑफ जो भी भाव कॉपी से आएगा वो चीज आप निकाल दो. तो 8 फरवरी, ये देखो 8 फरवरी, ये भी ट्रेड टू ट्रेड के अंदर है. तो 8 तारीख 2.5 लाख शेयर उठाए, 12 तारीख 2,60,000 शेयर उठाए. अभी ये सब चीजें देखने के लिए स्क्रीनर पर जाके पहले मुझे ये तो देखो कि मेरा फ्लोट कितना है. प्राइम इंडस्ट्रीज, मैं एक एग्जांपल रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.58 करोड़ शेयर. ना आउट ऑफ 1.58 करोड़ शेयर जो इन्होंने वारंट्स वारंट इशू किए वो तो अभी शेयर अलॉट होंगे नहीं, तो मोटा मोटा 48% 40 मतलब आधे पब्लिक के पास है. तो 1.58 का मैं अगर आधा कर लेता हूँ डिवाइड बाय 2, तो मोटा मोटा 79 लाख शेयर्स हैं. 79 लाख शेयर्स के अंदर से 2.5, रफ कैलकुलेशन 2.6, तो 2.57 प्लस 2.63 मोटा मोटा 5 लाख शेयर्स हो गए. एंड 15 से लेके अगेन ये 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 15 में आपके आगे 2.2, 1.68, 168, 228, 292 और यहाँ
113, तो 8 लाख शेयर यहाँ आ गए, 8 लाख प्लस 5, तो मोटा मोटा 12-13 लाख शेयर आपका उड़ गया, तो 13 लाख डिवाइड बाय 79 लाख शेयर, तो 16% फ्लोट आपका बाजार से गायब हो गया। समझ में आ रहा है आपको? 16% फ्लोट आपका गायब हो गया, और हमारी कैलकुलेशन ये थी कि 15 के बाद आपको चुकन्ना हो जाना चाहिए और 20 तक के ऊपर ये कहानी जाती नहीं है। तो आउट ऑफ आफ्टर दिस 16% फ्लोट व्हिच हैड बीन कॉर्नर्ड ओवर हियर, हाउ कैन आई ड्रॉ व्हिच इज कंपैरेटिवली इन दिस जोन। सर आप कह रहे 20 तक कहानी नहीं जाती, मतलब 20 के बाद मिलता ही नहीं है? मेरा एक्सपीरियंस है मैम, मैं अब कोई इसका सेट फॉर्मूला तो है नहीं। जितना फ्लोट मार्केट में है अभी, मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स तो जाके देखा नहीं है इस कंपनी में, मोटा मोटा 49.99% आधा फ्लोट पब्लिक में है और आधा है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स में कुछ ऐसे भी प्रमोटर के भाई बंद बैठे होंगे जो इनका नाम पब्लिक में आ रहा होगा, वो अपने लोगों को क्या पता, वी आर पब्लिक, सो दैट वी विल नॉट कम टू नो। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ये वाली बात। सर एक सेकंड सर, हेलो हेलो, कहाँ पे भी है? आ रहा हूँ सर मैं, एक सेकंड आया, एक सेकंड आया। मीनवाइल अगर जिसको भी कुछ समझ आया एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, एक्चुअल कॉल अभी ज्वाइन किया, अगर थोड़ा रीकैप कोई कर पाए शॉर्ट में। सर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली हम लोग कंपनीज का डिलीवरी डेटा एनालिसिस कर रहे थे, तो फिर बात ये आई कि हमें किस तरीके से डेटा, किस तरीके की कंपनी के डेटा को फिल्टर करना है और किस तरीके की डेट्स का डिलीवरी डेटा अपने को देखना है। लाइक अगर हम हर कंपनी का डिलीवरी डेटा देखने लग जाए तो उसका हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंस सिर्फ उन्ही कंपनीज का है जिसका प्राइस या तो लगातार फॉल हो रहा है, नंबर वन, नंबर टू उसकी सोशल मीडिया में या मीडिया में कोई न्यूज नहीं है, नोबडी इज एक्साइटेड फॉर दैट शेयर, फॉर बाइंग दैट शेयर, पर फिर भी लंबी लंबी डिलीवरीज हो रही है। जो उनकी 50 डेज का डिलीवरी डेटा है, लास्ट 50 डेज में जो डिलीवरी हुई है या लास्ट 10 वीक में जो डिलीवरी हुई है, उससे ज्यादा की डिलीवरीज अगर हो रही है तो उनकी डिलीवरीज को हमें एनालाइज करना। बेसिकली वो बिग बायर्स वाली स्वीट को किसी भी रैंडम कंपनी के डिलीवरी, हाँ जी सर सॉरी, हेलो एम आई ऑडिबल? हेलो यस सर, यस सर, यस सर। सर एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, जो हमने सीखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स को जाके कैसे एवेल्यूएट करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बल्क क्वांटिटी लेके बैठे हैं, जो हो सकता है कि प्रमोटर के भाई बंद हो, जो हमारे को पब्लिक डोमेन में नहीं पता चलता, वो चीज आप लोगों को आती है देखनी। और हर एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होता है, करेक्ट? बाकी एक एक हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि कितने रुपए का शेयर प्राइस है और कितना क्वांटिटी एक रिटेलर उठा सकता है, एक चीज तो वो होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि फ्लोट कहाँ जा रहा है। ये जो एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे इसमें आपको। तो पहला हम लोग का फिल्टर है कि वी विल ओनली लुक एट डेटा वेयर द वॉल्यूम इज मोर देन 50 वॉल्यूम एवरेज, नॉट मूविंग एवरेज, 50 डे वॉल्यूम एवरेज। ओके ये क्लियर है? आपने लिख लिया अपनी नोटबुक में? क्लियर है सर, यस सर, यस सर। अभी प्राइम में क्या है,
प्राइम में 1.58 करोड़ शेयर आ रहे हैं। एक मिनट यार, मेरे पेमेंट करना, मैं कर दूं, एक सेकंड प्लीज। हाँ जी, तो अगर मैं यहां देखता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स आए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जाके देख सकते हो, आपको तरीका आ गया हो। यहाँ पे देखो पब्लिक में कितना है और प्रमोटर में कितना है सर। 49.50% पब्लिक में है, 49% प्रमोटर में है। अभी ये कंपनी ने वारंट्स इशू किए, वारंट्स अभी तो अलॉट हुए ही नहीं है। और जब वारंट इशू करते हैं तो पार्ट में पार्ट पेमेंट जाएगा, पार्ट पेमेंट जाएगा तो अभी तो वो सारे वारंट्स कन्वर्ट होंगे नहीं, साल भर बाद या जब भी वो वारंट सारे कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जाके वो नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे। हाँ जी, अभी मैंने पब्लिक को भी टॉगल नहीं करके दिखाया आपको कि कौन से बड़े बड़े नाम है, तो हो सकता है ये 49% में ये बड़े बड़े नाम और भी हो जो हमारे को दिख रहे हो। म्यूचुअल फंड वालों को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं सर, मैं पब्लिक में आ रहा हूँ केवल, अभी मैं कॉम्प्लिकेशन में जा नहीं रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन में जाऊंगा। नहीं, पब्लिक में कई बार वो म्यूचुअल फंड वाले भी आ सकते हैं ना, होते हैं ना। अभी देखो चार या, और डीआईए में होंगे, किधर तो होंगे भाई, चार और दो छह सात आठ नौ परसेंट तो मोटा मोटा ये हो गया। अब ये सारे ऐड कर लो, 4.38 प्लस 2.38 प्लस 1.74 प्लस 1.95 प्लस 1.12, मोटा मोटा 11-12% तो फंसा पड़ा है, ये तो खुलना नहीं। तो 50 में से 12% निकल गया तो मोटा मोटा कितना रह गया आपका, 50 माइनस 12, तो 38%। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स? 1.58 करोड़ शेयर्स, 1.58 करोड़ इनटू 0.38, तो 60 लाख शेयर बाजार में है। एक मिनट के लिए मैंने ये मान लिया, और 60 लाख शेयर में से आपका 12, हमने कितना किया था यहाँ पर, 12-13 लाख आपका यहाँ उड़ गया है, ये 12-13 लाख शेयर यहाँ उड़ गए आपके। तो 60 लाख शेयर में से 12-13 लाख शेयर आपके उठ चुके हैं, तो 13 लाख डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 21%। 15% क्या हमारा मोटा मोटा है कि 15% फ्लोर जब कॉर्नर होता है कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल कंपनी, नोबडी नोज अबाउट दिस कंपनी, तो ये साइडवेज मूवमेंट है। एसडी फिनसर्व के अंदर या एसडी मार्ट के अंदर जो हम लोग देख रहे थे, ये एसडी फिनसर्व, नेट स्लो है आज मेरा, द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन। 550 रुपए का शेयर आपका 400 रुपए रह जाता है, तो कोई दुनिया का टेक्निकल आपको बाय करने के लिए नहीं बोलेगा। इन ऑल दिस एरिया, यहां से लेके यहां तक मेरा वो 50 मूविंग एवरेज में था ही नहीं कहानी, यहां से लेके यहां तक हार्डली। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर 23 फरवरी। अभी 23 फरवरी को SD Finserv, ये 23 फरवरी, यहां पर मेरी टोटल डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, 54,000। अगर आप कैलकुलेटर में सिर्फ ये नंबर्स ऐड करते चले जाओ तो 54,000 23 फरवरी को, मतलब 23 तारीख से लेके 23 से 27, मैं कर रहा हूँ सत्ता चौथी, तो 23 तारीख को 54,000 मोटा मोटा, 26 तारीख को 263, 54 प्लस 263 3,70,000, उसके बाद 351, 668, ये 27 तारीख आ गई। 27 तारीख के बाद फिर ये नीचे चला गया, ये नीचे, फिर 1 मार्च आ गई, 1 मार्च को आपका आ गया 344, 10,12,000, फिर ये नीचे हमारे को, फिर हमारा आ गया 4 मार्च से लेके 14 मार्च तक 10,12,000 के बाद 178 जी, फिर अपना 338 जी, फिर अपना 615, फिर आ गया अपना 212, फिर 121 सर, 615 के बाद 212
जी 121 जी 143 जी और 333 सर ये हो गया 29,52,000 29,50,000 और एक चौदह तारीख का भी आएगा ये वाला 140 सर ये हो गया 30,92,000 मोटा मोटी 31,00,000 31,00,000 शेयर्स यार से गायब हो चुके हैं अजीब इंसाफ के अब हम अजीब इंसाफ में स्पिनर में 5.49 अब यहाँ पर फ्लोट क्या है 5.49 में 51% पब्लिक में है तो 5.49 2.78 पब्लिक में सॉरी 2.8 पब्लिक में है 2.8 में से ये मोटे मोटे निकाल लो 5.46 प्लस 3.86 प्लस 2.8 अच्छा सॉरी ओके तो मोटा मोटा 22.5% 51.18 माइनस 22.71 मतलब मोटा मोटा 28.5% फ्लोट पब्लिक में है तो 5.49 इंटू 28.5% 1,70,00,000 शेयर है कौन सा रुपीज जी तो उसमें तो ऑलमोस्ट 18-19% कॉर्नर हो गया है हाँ सर क्या बोल रहे हो सर तो मोटा मोटी 18-19% फ्लोट कॉर्नर हो चुका है इसमें मतलब 1.5 करोड़ शेयर बाजार में है 1.5 करोड़ शेयर में से 31,00,000 शेयर आपका उड़ गया तो 31/130 तो 20% फ्लोट जा चुका जी बाकी आगे देख लो क्या होता है सर इसमें मेरे क्वेश्चन था इसमें सर ये पर्पसली भी किया जा सकता है क्या एज इन टू शो दिस डेटा टू समबडी सर जैसे मैंने और नीरज भाई ने डिसाइड किया कि आज मैं डिलीवरी लेता हूँ परसों आप डिलीवरी ले लेना और हम आपस में अल्टी पल्टी करते रहे तो इस तरीके का डेटा तो तब भी 50 डे को इग्नोर कर दिया ना 50 डे के नीचे ओके तो वो नॉइज हमने इग्नोर कर दिए ठीक है सर हाँ सर मेरा भी सिमिलर ही क्वेश्चन था क्योंकि डिलीवरी है तो ऑफकोर्स आदमी नेक्स्ट डे भी बेच सकता है ना वो मतलब स्विंग ट्रेडिंग हर दो दो दिन दिन में अगर बेच रहा है दूसरा आदमी खरीद रहा है तो एक्चुअली सेम ही शेयर एंड ट्रांसफर सर दो क्वार्टर में देखते हैं ना मैंने तो आपको एक लाइव केस स्टडी दिखा दी अब मजे की बात ये है जितना ये चीज को अपने तक ही रखोगे उतना अच्छा है जितने दोस्तों को जाके बताओगे उतने ये चीज काम करनी बंद हो जाएगी बाकी आप खुद समझदार बाकी आप सब खुद समझदार है जो 50 डेज मूविंग एवरेज को जो क्रॉस करेगा हम उसी दिन उसको पर्टिकुलर देखे जिस दिन ज्यादा डिलीवरी पिक हो रही है नहीं मेरे लिए ये BSE ने तो बहुत अच्छे से काम किया था 1 रुपए के 3 रुपए हो गया था आराम से वो बात अलग है बंदा भी अंडर वैल्यूड था वो सब चीजें हैं तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग
सर स्टॉकेज में जैसे डिलीवरी डेटा में कई बार वो ट्रेड्स भी बहुत कम होती है और डिलीवरी उसमें 90-99% होती है, तो उसका क्या वो होता है? आपको, वो आपको स्टॉकेज में नहीं मिलेगा, वो भाव कॉपी से मिलेगा। नहीं, मैं स्टॉकेज की बात कर रही हूँ, जब जैसे ये बार जो होता है वही बहुत छोटा सा होता है और उसमें परसेंटेज वाइज उसमें अच्छा परसेंटेज होता है, 95-99%। व्हाट तो डज दैट मीन? वो 50 से नीचे ही होगा ना, तो वो हमारा इग्नोर में चला जाएगा। अच्छा ठीक है। तो आज की डेट नोट कर लो, आज की क्या डेट है? तो 15 मार्च एडवांस टैक्स की भरने की लास्ट डेट। तुमने एडवांस टैक्स भर दिया? भरेंगे सर अभी शाम के। हाँ तो 2 क्वार्टर में देखते हैं एसी कंसर्न में क्या होता है। अगर तो तो चल सर गया, अगला अगला एडवांस टैक्स सर एसी कंसर्न से ही भरेंगे। अगर तो चल गया तो इसका मतलब अपना अपनी ट्रिक काम करती है। अगर नहीं चला तो नीरज जी के पास सब चलेंगे कॉफी पीने। हाँ सर सर ये एक मैंने जस्ट आपने अभी जो जो बोला वो मैं जस्ट नोट करता गया, 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर दूं मेरा, करो आप ना। जस्ट एक बार देख लो। हाँ मेरा स्क्रीन बंद हो गया सर। हाँ आप करो। 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया पता नहीं पूरा। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये मैंने जस्ट एक बुलेट बुलेट पॉइंट्स बनाया, आई मीन बिकॉज एकदम ताकि अगर लॉजिकली अगर कुछ करना जाए कोशिश करे तो। पहला कि ऑफ कोर्स 50 डे मूविंग एवरेज ऑन डेली, नहीं तो 10 वीक मूविंग एवरेज फॉर मतलब वॉल्यूम का ऑन वीकली। देन यू सेड स्टॉक प्राइस शुड बी गोइंग डाउन एंड नो न्यूज इन द मार्केट और सोशल मीडिया। एंड फॉर एनी ऑफ द कैलकुलेशन ऑब्वियसली लाइक यू सेड कि वी आर ओनली कंसिडरिंग दोज डेज वेयर कंडीशन वन इज ट्रू, दैट मीन्स उस दिन का वॉल्यूम इट शुड बी अबाउट द 50 डे मूविंग एवरेज। एंड देन थर्ड में 60% और मोर डिलीवरी क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी फॉर द डे, मोर देन 15% ऑफ द डिलीवरी क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द क्वांटिटी, एंड डिलीवरी क्वांटिटी इज हाई अबाउ रिटेल बाइंग, मतलब एक थ्रेशोल्ड लिया ऑफकोर्स लाइक बोल नहीं सकते बट 15 करोड़ और वॉट एवर। हाउ टू चेक फ्लोट में बेसिकली दिस इज वॉट वी सेट, वॉट एवर यू सेट दैट प्रमोटर होल्डिंग माइनस प्रमोटर पीपल इन पब्लिक होल्डिंग और लुकिंग एट शेयर होल्डिंग पैटर्न इन द BSE रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। क्या ये कैप्चर कर लिया सर सब में या इसमें भी कुछ गैप है या कुछ रह गया? नो सर, लुक्स गुड। आई मीन एटलीस्ट इट इज हेल्पफुल। इसमें क्या एक एक एटलीस्ट करते वक्त एक एक स्टेप वी कैन लुक एट हाउ वी कैन मूव टू ईच स्टेप। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर हाउ टू इंटरप्रेट द डिलीवरी डेटा एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ इट। हाँ सर, यस सर, थैंक्स। ठीक है। नाउ द थिंग इज सर इसमें स्टॉक स्टॉक को फिल्टर कैसे करें, मतलब अगर कोई शीट नहीं बन पाई, मतलब इन केस सुनील सर वैसे कर रहे हैं, बट अगर वैसे जनरल करना हो, क्योंकि इतने 1000 स्टॉक्स है, उसमें से फिल्टर कैसे करें? अब पहले आपसे बोल आपको रहे हो कि एक स्टॉक का बनाना पड़ेगा, फिर बाद में देखना पड़ेगा कि अब आपको और बोल रहे हो डेटा कि सर वॉल्यूम कैसे ऐड करें। किचन से खाना बन के आ गया, आप खाओ कैसे? अब आप ये सवाल पूछ रहे हो, सर अब मैं क्या बोलूं? सर एक्चुअली कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आई एम सेइंग कि अगर नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स, लेट्स सपोज, अब मुझे किचन खुद ही बनानी हो, तो उस केस में मैं कैसे इसको फिल्टर करूंगा? आई एम आस्किंग दैट भी। मैं मैं क्या क्योंकि बोलूं यूज करता हूँ, आई नो ये कितनी अच्छी अच्छा है वो सर कंसेप्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सर। अब मैं क्या बोलूं सर? आंखें आंखें खुली रखो। उस केस में आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा सर। आपको ये मतलब जो भाव कॉपी का जो डेली फॉर ऑल शेयर्स आता है उसको यूज करके डेटाबेस में डालते रहना पड़ेगा, फिर जाके सम काइंड ऑफ अ क्वेरी यू नो वेयर ये समराइज डेटा का नेक्स्ट लेवल फिल्टर, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पहले एक सर कॉन्सेप्ट एक कंपनी का तो मतलब बराबर हो, सिर्फ SG फिनसर्व का, फिर बाद में वॉल्यूम अब बढ़ा देंगे। आंख और कान खुले रखो, अपने आप स्टॉक आने लगेंगे। मैं कोई वो एक्सेल प्रोग्रामर तो हूं नहीं। आप लोग चीट बनाते हो, स्प्लैशर बनाते हैं, मैंने तो आपको एक लॉजिक दिया है, ये लॉजिक काम करता है, यूज करके देख लो। तो एज अ डिस्क्लोजर
मैंने तो एसजी फिनसर्व भर लिया है रिसेंटली, पिछले 20 दिन में। सर ये डिलीवरी सारी आपकी तो नहीं है? क्यों सर, सारी पोल पट्टी खुलवा रहे हो आप? सर ये एक चीज और, व्हेन वी आर डूइंग दिस वी हैव टू कंबाइन द डेटा फॉर बीएससी एंड एनएससी बोथ राइट फॉर ऑल ऑफ दिस। मैंने तो आपको बाव कॉपी में पूरा दे दिया, ये स्टॉक तो केवल बीएससी के अंदर है, एनएससी में तो है ही नहीं। नहीं, समझो कोई स्टॉक बीएससी और एनएससी दोनों में है, ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं, दीस आर ऑब्वियस क्वेश्चंस। नहीं नहीं, बट समझो 50 डे मूविंग एवरेज volume is higher in BSE and not and lower in NSE, so in that case would you still add it up or would you? Yes, still add it up. Okay, I'll take both the numbers. ठीक है सर, got it. So I hope you are happy with this. Yes, super happy sir. Yes sir, very helpful. तो अब आप उसका डेटाबेस बना लो, एक्सेल जैसे करना कर लो, गूगल पे कर लो, ताकि ऑल कैन कोलैबोरेट। तो होप दिस हेल्प्स यू। आई थिंक इसको शुरू में अगर मैनुअली भी करना है ना, तो आई थिंक वी माइट बी एबल टू एटलीस्ट इजीली फाइंड दैट वो फर्स्ट फिल्टर वेयर वॉल्यूम्स मोर देन 50 डे मूविंग एवरेज, उसमें से अपने एटलीस्ट स्टॉक नाम मिल जाएंगे, यू नो, इवन इफ समबडी हैज टू मैनुअली वर्क आउट। In those old times, Manu used to make the sheet for me, and in that sheet, I just picked up one company, which was BSE. So I got it at $440, and I sold it around $1,350 something. हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, but the thing works. और आज के तारीख में, SG FinServ के अगर मैं बात करूं, तो दुनिया का कोई technical expert नहीं कर सकता कि वो चलो। Because the price action is bad. सर मैं जानता हूँ किसी एक्सपर्ट को, वो बोल रहा है और उसकी बात सुननी पड़ती है सर। मैं तो नहीं जानता सर। सर आप नहीं जी, मैं जानता हूँ ना, हम सब जानते हैं। ठीक है सर, चलो सर आप आईना देख लो, जान जाओगे। सर अब मैं क्या बोलूँ सर, आज